हेलो बच्चों, कैसा आप सब? ठीक हो ना? तो आज हमारा नया एक्सरसाइज चालू करेंगे हम लोग। हमारा ऑलरेडी 5.1 खत्म हो चुका है, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर चल रहा है हमारा इंडेक्स नंबर, ओके, तो मैथ्स 2 का। अब सबसे पहले देखो, हमने प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पढ़ा, वैल्यू इंडेक्स नंबर पढ़ा। आज कुछ अलग टाइप के इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, ओके। कुछ फॉर्मूले भयंकर भयंकर आपके सामने लिख कर दिए, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ओके। ये लास्ट प्रीज, एक का नाम है लास्ट प्रीज प्राइस इंडेक्स नंबर, एक का है पास चीज, एक का डॉर्बीज बाउलिस, एक कुछ स्टैटिस्टिशियंस के नाम है जिन्होंने अपने हिसाब से कुछ क्या किया है, इंडेक्स नंबर फाइन किया है। तो उन्होंने अपना अपना फॉर्मूला बना के रख दिया है, तो बस हमको इनके हिसाब से इनके फॉर्मूले लर्न करने हैं, ओके। अभी फॉर्मूला देखो लास्ट प्रीज का, प्राइस इंडेक्स नंबर को लिखते हैं P01, लास्ट प्रीज है इसलिए L लिखने का, यहां भी पास चीज है तो P लिखने का, डॉर्बी बाउलिस है तो D-B लिखने का, नाम थोड़ा हार्ड है याद रखना पड़ेगा, फिशर्स है तो इधर पी लिखने का, एक और आएगा मार्शल एडवर्ड्स, वो आगे बताऊंगा मैं फॉर्मूला, पहले इतना देख लो, ओके। इसका फॉर्मूला है समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 into 100 सब में रहता है, याद रखना, देखो into 100 सब में, ओके। यहाँ समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 into 100, यहाँ पर ऐसा है। तो सिंपल देखो, इसको याद रखना, टेक्निक देखो सिंपल है। देखो लैसप्रीज के लिए याद रखने का 1000, पास चीज के लिए याद रखने का 1101, ये दोनों याद रखो, बाकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। लास्ट प्रीज के लिए याद रखो 1000 मतलब क्या, देखो जैसे कि मैं लास्ट प्रीज का फॉर्मा निकालूंगा P01 किसका, लास्ट प्रीज का, ओके। तो सिंपल तुम लोग याद रखना, ये लिख के याद रखना, ये याद रखने का हमेशा कि PQ अपॉन PQ होगा into 100, ये सिंपल याद रखने का। अभी लास्ट प्रीज बोला तो 1000 आएगा, 1000 मतलब देखो 1000, ओके। अब ये पास चीज देखेंगे, मान लो मुझे पास चीज निकालना था, LKG की P आ जाएगा, पास चीज मतलब क्या होता है 1101, 1101 मतलब क्या, 1101 कैसे होता है ये 1101, 1101 मतलब 1101 हो गया, ये हमारे पास चीज, ओके। अगर ये दोनों लर्न कर लेंगे तो बाकी दो भी ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। डॉर्बीज बाउलिस क्या होता है, डॉर्बीज बाउलिस क्या होता है, सिंपल देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये प्लस ये क्या है, ये सिंपल आपको याद रखना, डॉर्बीज बाउलिस के लिए क्या करने का, ये लैसप्रीज प्लस पास चीज, देखो ये लैसप्रीज है प्लस पास चीज डिवाइड बाय 2 into 100, तो होता ही है सबके अंदर, वो तो याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखना डॉर्बीज बाउलिस में क्या, लैसप्रीज वाला प्लस पास चीज अपॉन क्या, 2 लिखने का। तो आगे करेंगे अपन, फिशर्स में क्या होता है सेम वही, देखो इन 200 बाहर है, बस जैसे यहां प्लस करके डिवाइड बाय 2 था, यहां पर क्या आएगा रूट में, देखो रूट में ये किसका फॉर्मूला है, देखो ये लैसप्रीज का, ये किसका फॉर्मूला है, देखो ये वाला है फिशर्स, सिंपल याद रखने का ना, क्या है फिशर्स का फॉर्मूला, क्या है फिशर्स का, मान लो ये फॉर्मूला भूल जाता हूं मैं, फॉर्मूला क्या है अंडर रूट में रहेगा, सर ने बोला है अंडर रूट में क्या, लैसप्रीज इंटू पास चीज, लैसप्रीज को पास चीज से इंटू करने का, तो दो बार करने का, एक बार लैसप्रीज के लिए इंटू, एक बार पास चीज के लिए, और इंटू 100 तो रहता ही सर ने बोला है, ओके। लैसप्रीज में सर ने क्या बोला था 1000, पांचवी में सर ने क्या बोला था 1101, ओके। तो ऑटोमेटिक करते करते आपको याद हो जाएगा, ओके याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं लास्ट प्रीज के लिए क्या याद रखोगे 1000 और पांच चीज के लिए याद रखोगे 1101, डॉरिस बॉलिस क्या होता है 1000 + 1101 / 2, ऐसे याद रखो 1000 + 1101 / 2, ऐसे याद रखो इजी पड़ेगा। और फीचर्स में क्या है 1000 × 1101 और इंटू 100 सबके अंदर है, वो याद रखो, ओके। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, एक्सरसाइज 5.2 मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, फिर भी ऑलरेडी मैं रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन ने बोल रहा है फाइंड द, ओके आपके टेक्स्टबुक में होगा, फाइंड द लास्ट प्रीज प्राइस इंडेक्स नंबर, पास चीज, डॉर्बी बॉलिस, फिशर्स, ये चारों इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करने बोले, एक्चुअली मार्शल ही बोला है पर मार्शल हम कम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज इतना पढ़ लेते हैं, हमको सारे इंडेक्स नंबर फाइंड करने। तो सिंपल बात है, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो टेबल अपने क्या दिया है, देखो एक कॉमोडिटी दिया हुआ है, चार टाइप कॉमोडिटी है ABCD, BY मतलब बेस ईयर पहले का, CY मतलब करंट ईयर अभी का, ओके। बेस ईयर में प्राइस को हम P बोलेंगे, करंट ईयर में प्राइस को P बोलेंगे, लेकिन बेस ईयर का 0, करंट ईयर का 1, ये ऑलरेडी मैंने बताया लास्ट वीडियोस में, 3-4 वीडियो में बताया मैंने। क्वांटिटी को Q बोलेंगे, क्वांटिटी को Q बोलेंगे, बेस ईयर का है तो 0, करंट का है तो 1, ओके। अब आप देख लो, अब आपको ना यहां पर चार कॉलम में ये फॉर्मा रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना फॉर्मूले को, ओके देखो जगह कम पड़ रहा है। अब यहां पर आपको चार कॉलम बनाने के, चार कॉलम याद रखना, कॉलम माने खड़ा हुआ होता है, चार कॉलम बनाने याद रखना आप लोग को, क्योंकि चारों आपको निकालने बोला है ना, तो चारों के लिए चार चाहिए हम लोग को,
ओके, पहला आएगा पी जीरो क्यू जीरो, दूसरा आएगा पी वन क्यू वन, याद रखने का पी जीरो क्यू जीरो पी वन क्यू वन, दूसरा आएगा पी वन क्यू जीरो, तीसरा आएगा पी जीरो क्यू वन, ईजी है, जीरो जीरो वन वन, वन जीरो जीरो वन, सिंपल याद रखने का, जीरो जीरो वन वन, वन जीरो जीरो वन। मैं चारों इसलिए फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चारों इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं और चारों इंडेक्स नंबर हमने को ये सब चाहिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में सिर्फ लैस प्रीज निकालने बोला है, सिर्फ लैस प्रीज, तो देखने का लैस प्रीज मुझे क्या क्या चाहिए, वन जीरो चाहिए और जीरो जीरो चाहिए, तो क्या कौन कौन सा कॉलम लेने का, वन जीरो लेने का और जीरो लेने का, बस जितना नीड है उतना ही लेने का। ओके, फिर हमको सारा चाहिए तो सारे की जरूरत पड़ेगी, इसे सारा ले लिया मैंने, कौन कौन सा, जीरो जीरो वन वन, वन जीरो जीरो वन, आगे भी चलता है। अभी ऐसे आपने सॉल्व किया है, इजी है, देखो पहले जीरो जीरो निकालना है तो इन दोनों को इंटू करना है, पी जीरो क्यू जीरो, एट इंटू ट्वेंटी कितना होगा, वन सिक्सटी, अगला क्या है, सेवन इंटू टेन कितना होगा, सेवेंटी, थ्री इंटू थर्टी कितना होगा, नाइन्टी, टू इंटू फिफ्टी कितना होगा, हंड्रेड। अगला चाहिए पी वन क्यू वन, पी वन क्यू वन क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इलेवन इंटू फिफ्टीन, वन सिक्सटी फाइव, 12 इंटू टेन, 120, 5 इंटू ट्वेंटी फाइव, 125, 4 इंटू थर्टी फाइव, 140, सिंपल कर सकते हो। पी वन क्यू जीरो, पी वन क्यू जीरो मतलब कौन, देखो पी वन इधर है और क्यू जीरो इधर है, इनको मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 20 इंटू इलेवन, 220, 220, 10 इंटू ट्वेल्व कितना होगा, 120, 30 इंटू फाइव कितना होगा, 150, 50 इंटू फोर कितना होगा, 200, 200। ओके, इजी कैलकुलेशन है, इसे हड़ाएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पी जीरो क्यू वन, पी जीरो क्यू वन किधर है, देखो पी जीरो किधर है, पी जीरो इधर है और क्यू वन किधर है, इधर है, 8 इंटू 15 बताओ कितना होगा, 15 टू जा 30, 15 फोर जा 60, 15 सिक्स जा 120, 15 कितना, 8 जा ना 8, 120 शायद 150 होगा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 8 फाइव जा 40, 4 कैरी, 8 वन जा 8, 120, ओके मुझे लगा 120 है। नेक्स्ट इन दोनों को ना, चलो 7 इंटू टेन कितना होगा, 70, ध्यान से करना रॉन्ग ना हो जाए, 3 इंटू 25 कितना होगा, 75, जो कॉलम ले रहे हैं सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करने का, अपन ये और ये कॉलम ले रहे हैं, यहाँ का 2 यहाँ का 35 कितना हो मल्टीप्लाई होके, 70। ओके, अभी इन सब का हमको निकालना है टोटल, ये चारों कॉलम का, इनका नहीं सिर्फ वो चारों का। ओके, तो यहाँ पे लेता हूँ टोटल सबका, सबको ऐड कर लो। ओके, देखो मैं डायरेक्ट प्लस कर रहा हूं, 100 100 कितना होगा, 200, 60 70 कितना होगा, 130, 130 और 90 कितना होगा, 220, 130 90 कितना, 220 प्लस किया तो 420, इनका प्लस पूरा आ रहा है कितना, 420। ओके, नेक्स्ट देखो, इधर पे 100, 100, 200, 300, 400, 6 में डायरेक्ट कर रहा, देखो 60, 60 ले रहा हूँ, 60, 20, 80, 80, 20, 100, 100, 40, 140, लास्ट में देखो सिंगल बच रहे हैं, देखो ये 5 और ये 5 कितना हो जाएगा, 10। तुमको जैसे प्लस करना है करो, मैं ऐसे करता हूँ, ओके फटाफट होता है, बचा इधर क्या है, 0, 5, 5, 550, ये ऑलरेडी क्लास में मेरे बहुत बार करा है, ऐसे आप लोगों ने सीखे हो। चलो पहले 100 वाले को प्लस कर लो, 200, 300, 400, 600, अब यूनिट्स वाला ले लो, 20, 20 कितना होगा, 40, 40, 50 क्या होगा, 90, या ही नहीं कितना होगा, ओके यहाँ पर देखो 100 वाला सिर्फ एक ही है, अब यूनिट्स वाले टेंस वाले प्लस कर लो, 20, 70 होता है 90, 90 और 70, 160, 160 और 70, 230,
ये देखो टेंस वाला यूनिट्स वाला बचा, देखो यूनिट्स वाला पाँच एक ही इधर, तो प्लस किया पाँच तीन तीन। मैं बोल रहा हूँ आपको जैसे प्लस करने आता वैसे प्लस करो, ओके। मेरे को कम टाइम में ज़्यादा करना है, फटाफट सिखाना है, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ मैं, ओके। तो ये मेरा टेबल तैयार हो गया, अब हम लोग चलेंगे वैल्यू निकालने के लिए। इतना कॉपी कर लो फटाफट। तो देखो मैं टेबल रब कर चुका हूँ, जो टेबल है मेरा वैल्यू यहाँ पर लिख चुका हूँ, ओके। अभी तीनों इंडेक्स, चारों इंडेक्स हमें निकालना है। मैंने बोला मार्च से एडवर्ड बाद में निकालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको सिखाऊंगा, स्पेशल एक लेक्चर उसके पर लूंगा, ओके। तो लास्ट वीक का मैंने क्या बोला, देखो प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब वहाँ मत देखो, यहाँ देखो, ओके, वहाँ मत देखो। प्राइस इंडेक्स मतलब P01, लास्ट प्राइस माने L, ओके। लास्ट प्राइस का सामने क्या बोला था, 1000। तो देखो सिंपल PQ लिखने का इनटू 100 तो रहता ही है, बराबर। क्या लिखने का, 1000, यानी 1000। डाल दो वैल्यू, P1 Q0 की वैल्यू कितनी है, ये 690 अपॉन P0 Q0 की वैल्यू कितनी है, 420। 00 कट, 3 से कटता है, देखो 3 2 3 3 3 1 3 4, तुम्हारा वैल्यू कितना आया, 23 अपॉन 14 इंटू 100। 23 को 14 से डिवाइड करो, 23 डिवाइड बाय 14, 14 वन जा 14, कितना बचा, 9 बचा, 0.0। 14 कितने जा मल्टीप्लाई करो, 90 के आसपास जाएगा, 4 जा कितना होगा, 56, 14 5 जा 70 होता है ना, 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, 6 लेता हूँ 84, माइनस कितना बचा, 6 बन गया 0, 14 कितने जा, 4 जा 56, 4 बचा 0। एक और डेट ले लेते हैं, एक और, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने बोला है आपको। तो अपन क्या लेना है, 40 कितना, 2 जा 28, ओके 12 बचा, ओके। एक और डिजिट लेता हूँ, 4 लेने का, 4 डिजिट, क्योंकि वो 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिजिट बचना चाहिए आगे जाके। तो 28 गया, 12 बचा, कितना बचा, 0। 14 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 120 के आसपास जाएगा, 14 10 जा कितना होगा, 120, 14 9 जा करो, 9 4 जा 36, 9 प्लस 3 12, बड़ा हो जाएगा, एक मिनट, 14 9 जा 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 प्लस 3 12 120, बड़ा हो जाएगा, 8 से करना पड़ेगा, 8 से, ओके। तो आगे करो मत, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, इसको हम डिवाइड किए तो वैल्यू कितना आया हमारा, 1.6428 इनटू बचा है 100। देखो मैं इसकी बात कर रहा था, अभी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 बार आगे जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगा 164.28। इसलिए कभी भी आप 4 डिजिट तक सॉल्व करोगे ना तो मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है, पता है तुमको, ओके। 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका 2 डिजिट भागने वाला है, तो पीछे 2 डिजिट ही बचने वाला है। और मान लो यहाँ 100 नहीं है मल्टीप्लाई, सिर्फ इसको डिवाइड करना है, तो 2 डिजिट तक करो, बस बहुत हो गया, ओके। यहाँ 4 तक क्यों किया, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। ये तुम्हारा फॉर्मूला वैल्यू है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, अब हमको क्या चाहिए, पास चीज चाहिए। पास चीज के लिए फॉर्मूला क्या, देखो P01 पास चीज के लिए P, मैंने क्या बताया, सेम वही समेशन पी क्यू इंटू 100। पास चीज के लिए क्या, 1101 डाल दो वैल्यू इसके अंदर अभी। P1 Q1 कितना है, 550। 01 कितना है, 335। 5 से कटता है, 5 से 5 11 जा 55 बचा 0, 5 6 जा 30 बचा 3, आता नहीं है तो 0 हो जाएगा, फिर जाके 35 हो गया, 5 7 जा एक मिनट सॉरी 5 6 जा 30 सॉरी 5 6 जा हुआ 30, 3 जाके बन गया 35 बन गया, 5 7 जा 35, ओके। 5 6 जा 30 बचा 3, 35 बन गया, 5 7 जा 35, तो बचा आप लोग के पास 110 अपॉन 67 इंटू 100। सेम इसको डिवाइड कर लो, जैसे मैंने बताया, इन दोनों को डिवाइड कर लो 4 डिजिट तक, फिर 100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना कॉपी कर लो, ओके। तो दो निकल चुका हमारा, देखो दोनों की वैल्यू लिख के रखी है मैंने, पास चीज का 164.17 है और लास्ट प्राइस का 164.28। देखो थोड़ा सा एरर देखा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, आंसर आसपास ही रहेगा। अब हमको निकालना डाउरबीज बाउलीज, तो देखो P01 प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए डॉर्बिस बॉलिस के लिए D-B। सर ने क्या बताया था, डॉर्बिस बॉलिस क्या होता है,
हजार प्लस 1100 डिवाइड बाय 2 इतना रखने का, यानी ऐसे ये हो गया 1000 ये हो गया 1101 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 सब में रहता है। ओके अब आप डायरेक्ट पुट करो सारे वैल्यू निकाल लो आंसर, इसका वैल्यू इधर दिया है, इसका वैल्यू इधर दिया है, सबका वैल्यू डाल के निकाल लो। लेकिन लेकिन सुन एक बात मेरी, हमने इसके पहले ये दोनों निकाला ना, इसके पहले हम दोनों ने ये दोनों निकाला, तो एक काम करो इतना डिटेल मत जाओ क्योंकि आप डालोगे फिर डिवाइड करना पड़ेगा, टफ हो जाएगा, लंबा हो टाइम लेगा। एक काम करो इन दोनों को यूज करके मैं ऐसा निकाल सकता हूं, कैसे देखो सिंपल, देखो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनाता हूं, आप देखो कैसे बनता है फॉर्मूला। देखो यहां लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों को मैं, पहले कौन आ रहा है देखो ये 1000 आ रहा है, पहले कौन आ रहा है 1000 आ रहा है, 1000 किसकी वैल्यू है, 1000 किसका फॉर्मूला है, लैस्प्रिस का, तो यहां लिख देने का लैस्प्रिस प्लस, ये क्या है 1101, 1100 किसका फॉर्मूला है, पांच चीज का, तो यहां लिख देता हूं पांच चीज डिवाइड बाय 2, ये नया फॉर्मूला बन गया। डाउट रहेगा रुको दो मिनट, पहले देखो मैंने क्या किया, ये लाने आपको ओके अब इसको सॉल्व टफ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एक सिंपल एक काम करो, ये 1000 है, 1000 माने किसका फॉर्मूला, लैस्प्रिस का, तो लैस्प्रिस लिख दिया प्लस 1100 किसका फॉर्मूला है, पांच ही का, तो पांच ही लिख दिया डिवाइड बाय 2। अब बच्चों को डाउट रहेगा सर कैसे, इधर 1000 दिया है तो 1000 के साथ 100 है ही नहीं, तो आप कैसे लिख सकते हो ये लैस्प्रिस का फॉर्मूला है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर सर इधर 1101 लिखेंगे इंटू 100 तो है ही नहीं, कैसे लिखा पांच चीज। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाँ ठीक है वो लिख दिया, ये 100 कहाँ गया, अरे बेशर्मो ये 100 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, देखो जरा क्या कर रहा हूँ मैं, अगर ये 100 दोनों की दोनों को मल्टीप्लाई है ना, ये अगर 100 को दोनों मल्टीप्लाई होगा ऐसे, देखो 100 इसको मल्टीप्लाई हो गया और इसको भी 100 मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाय 2। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, लैस्प्रिस का, ये किसका फॉर्मूला है, पांच ही, देख लो उधर पे। ओके आपका मन जिससे करना है करना हो, मुझे मतलब उससे नहीं है, मैं इजी करके दे रहा हूं आपको। आपने क्या किया, ये 1000 किसका फॉर्मूला है, लैस्प्रिस का, और ये किसका फॉर्मूला है, पांच चीज का, और कन्वर्ट करने के बाद 100 लिखने का नहीं कभी भी याद रखने का क्योंकि वो फॉर्मूला बन जाता है। तो अब इससे क्या होगा, डायरेक्ट बन जाएगा आपका, एक बात बोल रहा हूं आप लोगों को मैं, अपने फॉर्मूला जहां लिखा है ना वही फॉर्मूला लिख के रख दो। ओके इसका एक और फॉर्मूला है, चलो अभी देखो लैस्प्रिस का वैल्यू कितना है, 164.28 प्लस पांच चीज का क्या है, पांच चीज कितना है 164.17 डिवाइड बाय 2 प्लस करने का, सिंपल देखो 164 कितना होगा 328 ना 328.28 कितना होगा 35 देखो भाई रॉन्ग भी हो सकता है मेरे से, बराबर है ओके अब 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 2 बचा 1 12 बन गया, 2 6 12 8 2 4 8 4 आता है 2 2 5 नहीं आता 2 2 4 1 बचा 10 बन गया कितने जा 5 हमारा वैल्यू आया 164.22। देखो ये भी देखो इनके आसपास ही है, तो सब आसपास ही रहने वाला है। ओके तो ये एक और फॉर्मूला याद रखना, सिंपल याद रखो अगर आपने इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट किया तो इंटू 100 लिखना नहीं है क्योंकि इंटू 100 वो फॉर्मूले में ऑक्यूपाई हो गया। इधर कॉपी करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपके बचा है डॉर्विस बॉलिस 3 हो गए, अपना एक बचा है फिशर्स, बचा है मार्शल एडवर्क, फिशर्स में रूट आता है तो रूट में क्या जा रहा है कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसमें रूट निकालना पड़ेगा आप लोग को, तो नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा तो उसमें बता दूंगा रूट कैसे निकालना है, उसके साथ सिखाऊंगा मैं क्योंकि ऑलरेडी 15-16 मिनट लेक्चर हो चुका है, अगर रूट निकालना सिखाऊंगा वो सॉल्व करूंगा तो 25 में आधा चला जाएगा। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे एक क्वेश्चन के ऊपर फीचर्स निकालेंगे और मार्शल एडवर्ड। ओके फिलहाल कॉपी कर लो इतना, और जो भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे उसमें तीनों इंडेक्स नंबर निकाल लो। ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।